नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल होने वाली बॉलों के बारे में। बॉल मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, गुलाबी कलर की, सफ़ेद कलर की और लाल कलर की। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। क्रिकेट की गेंद ठोस होती है और इसे चमड़े और कॉर्क की मदद से बनाया जाता है। वर्तमान में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में तीन रंग की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, लाल, सफ़ेद और गुलाबी। क्रिकेट की गेंदों के माप तौल के बारे में, क्रिकेट की गेंदों का वज़न 156 ग्राम और 163 ग्राम के बीच होता है और इसका सरकमफेरेंस 22 और 23 सेंटीमीटर के बीच होता है। एक गौर करने वाली बात यह है कि यह माप तौल पुरुषों के क्रिकेट में इस्तेमाल की जाने वाली गेंदों का है, महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गेंद इससे थोड़ी छोटी होती है। चलिए अब बात करते हैं कलर के बारे में। लाल रंग की गेंद, पारंपरिक रूप से क्रिकेट में लाल रंग की गेंद इस्तेमाल की जाती है। टेस्ट क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लाल रंग की गेंद इस्तेमाल की जाती है क्योंकि उक्त मैचों में खिलाड़ी सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म पहनते हैं। लाल रंग की गेंद पर सफ़ेद रंग के धागे से सिलाई की जाती है। सफ़ेद रंग की गेंद, 28 नवंबर 1978 तक क्रिकेट में लाल रंग की गेंद का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ के बीच एक विश्व सीरीज़ के एक दिवसीय मैच को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में फ्लड लाइट्स में खेला जाना था, इस वजह से सफ़ेद रंग की गेंद को चुना गया। सफ़ेद रंग की गेंद का इस्तेमाल वनडे और T20 क्रिकेट में किया जाता है जिससे खिलाड़ियों को फ्लड लाइट में खेले जाने वाले मैच में गेंद आसानी से दिखाई दे सके। मौजूदा वक्त में सफ़ेद गेंद को हर एक दिवसीय क्रिकेट फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद रंग की गेंद पर गहरे हरे रंग के धागे से सिलाई की जाती है। पिंक बॉल, क्रिकेट में गुलाबी रंग की गेंद का इस्तेमाल सिर्फ डे नाइट टेस्ट मैच में किया जाता है जिससे रात में भी खिलाड़ियों को गेंद आसानी से दिखाई दे जा सके। जुलाई 2009 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच वनडे मैच में गुलाबी रंग का गेंद का इस्तेमाल किया गया था। गुलाबी रंग की गेंद पर काले रंग के धागे से सिलाई की जाती है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया में क्रिकेट गेंदों के मुख्य निर्माता कौन कौन से हैं। पहला, कुकाबुरा। कुकाबुरा कंपनी की स्थापना वर्ष 1890 में हुई थी। इस ब्रांड की गेंदों को दुनिया भर में नंबर एक माना जाता है। इन गेंदों को कच्चे माल और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बनाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली कुकाबुरा गेंदों को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की एक फैक्ट्री में बनाया जाता है। इन गेंदों का वजन लगभग 156 ग्राम होता है और इनका निर्माण चार पीस को मिलाकर किया जाता है। इनके निर्माण में मुख्य रूप से मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यह गेंद दुनिया भर में सभी टेस्ट, T20, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में इस्तेमाल की जाती है। इस गेंद को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे में इम्पोर्ट किया जाता है। यह गेंद शुरुआती 20 ओवर्स में अच्छी स्विंग प्रदान करती है, लेकिन जब इसकी सिलाई खराब हो जाती है तो यह बल्लेबाजों को रन जड़ने में मदद करती है। ड्यूक क्रिकेट गेंदों का निर्माण साल 1760 से एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा किया जाता है। कुकाबुरा की तुलना में ड्यूक बॉल गहरे रंग की होती है। ड्यूक बॉल पूरी तरह से हस्तनिर्मित होती है और गुणवत्ता में उत्कृष्ट होती है। अच्छी गुणवत्ता के कारण यह गेंदें अन्य गेंदों की तुलना में अधिक समय तक नई रहती हैं। यह गेंद सीमर्स की अधिक मदद करती हैं। फास्ट बॉलर को इस गेंद को स्विंग कराने में आसानी होती है। इन गेंदों का उपयोग इंग्लैंड में क्रिकेट के लगभग सभी प्रारूपों में किया जाता है। SG, इसका फुल फॉर्म सन स्पेरल्स ग्रीनलैंड बॉल है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 1931 में भाई केदारनाथ और द्वारकानाथ आनंद ने सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, की गई थी। बंटवारे के बाद यह कंपनी भारत के मेरठ में आ गई है। वर्ष 1991 में BCCI ने टेस्ट क्रिकेट के लिए SG गेंदों को मंजूरी दी थी और तब से अब तक भारत में टेस्ट मैच इस गेंद के साथ खेले जाते हैं। इन गेंदों की सीम काफ़ी उभरी हुई होती है जिसके कारण पूरे दिन खेलने के बाद भी यह गेंद अच्छी कंडीशन में रहती है। इन गेंदों को आज भी कारीगरों द्वारा हाथों से ही बनाया जाता है। यह गेंद स्पिनर्स की अधिक मदद करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
साथ ही हमारे चैनल से जो अभी तक नहीं जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।